हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। शो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 169वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट की वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी एक साथ क्लासेस मिल जाएंगी, जैसे प्रैक्टिस सेट की जीके टॉपिक वाइज क्लासेस मिल जाएगी। कला वर्ग हो गया, ठीक है, एंड जीके हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगे। एंड प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, 2012 से लेकर 2020 तक का, कुछ 2010 के भी पेपर हैं, 2008-07 के भी पेपर हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ये जो क्लास चल रही है, इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाइल। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पेन कॉपी लेके रेडी होइए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत है एक, ये क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ एक बार, तो भारत है एक क्या है? हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, इसका धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? कि अपना कोई विशेष धर्म ना होना, ठीक है, यानी कि सभी धर्मों को स्वीकार करना, समान महत्व देना, यही होता है धर्मनिरपेक्ष का अर्थ, ठीक है। और अपना देश जो है सभी धर्मों को स्वीकार करता है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? किस आधार पर जो है सीटें आवंटित होती हैं लोकसभा में? तो वो होती हैं जनसंख्या के आधार पर। किसके आधार पर? जनसंख्या के आधार पर होती हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सर्वाधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में हैं? तो उत्तर प्रदेश में हैं। टोटल कितनी हैं? 80 हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? सभी लोग जवाब दीजिए, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन को किसने प्रारंभ किए थे? तो इसको जो है प्रारंभ किए थे विनोबा भावे ने। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, जिन जिन क्वेश्चंस में स्टार में लगाता हूं, तो वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो है भूदान आंदोलन जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1951 में, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? आंध्र प्रदेश से, ठीक है, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गाँव से जो है किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? बड़े भू स्वामियों को गरीबों के लिए भूमिदार करने हेतु प्रेरित किया जाता था इससे, ठीक है, भूदान आंदोलन के द्वारा, ठीक है। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे आपके जो हैं जीके टॉपिक वाइज वाली क्लास में हो गए हैं। अब आपको केवल प्रैक्टिस करना है। अगर आपका 50 में से 30 से नीचे जा रहा है स्कोर किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपको अभी तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं, उसके माध्यम से आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी, बहुत ही अच्छी, उसमें से आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं घर बैठे मात्र 99 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सभी लोग जवाब दीजिए। तो वो थे सी राज गोपालाचारी। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? बच्चों वाला प्रश्न हो गया होगा, अगर आप लोग पॉलिटी की क्लास देख लिए होंगे। भारत के संविधान में कुल कितने भाग हैं? सभी लोग जवाब दीजिए। टोटल कितने हैं? 22 भाग हैं। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं और 395 जो है अनुच्छेद हैं, ठीक है। और विश्व का सबसे विशाल लिखित संविधान किस देश का है? भारत का है, ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि है कितने वर्ष के लिए? तो इनकी जो है पदावधि जो है मुख्य सूचना आयुक्त की कितनी है? 5 वर्ष। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। और लास्ट क्या है? 65 ईयर, ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो है किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह भी आपको याद रखना है। सिफारिश पर की जाती है। किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेशा जो है साड़ी नहीं है?
किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश तो आपका है, पश्चिम बंगाल भी है, आंध्र प्रदेश जो है भी है, अरुणाचल प्रदेश में जो है महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, यहाँ पे पहनती क्या है महिलाएं? लुंगी, झबला नुमा वस्त्र होता है उनका, ठीक है, ये जो है टोपियाँ ऊपर पहन लेती हैं, तो ये सब जो है उनके मुख्य वेश होते हैं, ठीक है, साड़ियाँ नहीं पहनती हैं वहाँ की महिलाएँ, ठीक है। ये क्रैश कोर्स के देख सकते हैं बैनर, ठीक है, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरी 471 पेज की ये पीडीएफ है। अगर आप लोग इसे तैयार कर लेते हैं तो फ्री सीट लेने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है, सभी वर्गों के लिए है, कला वर्ग हो, विज्ञान वर्ग हो, कॉमर्स वर्ग हो, कृषि वर्ग हो, सभी वर्गों के लिए एक कोर्स है। 10 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी आपको इसमें मिलेंगे, हल प्रश्न पत्र, ठीक है, तो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज कर सकते हैं, लिंक है आपका। जातक कथा संबंधित है किससे? सभी लोग जवाब दीजिए, जातक कथा संबंधित है किससे? गौतम बुद्ध से, छत्रपति शिवाजी से, बाल गंगाधर तिलक से, गांधी जी से। जातक कथा जो है गौतम बुद्ध से संबंधित है, किससे संबंधित है? गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऑप्शन जो आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जातक कथाओं की संख्या कितनी है, तो जातक कथा की जो संख्या जो है लगभग 550 है, ठीक है, और इनमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाओं का वर्णन भी है जातक कथा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सिलिकॉन वैली है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसमें आप लोग स्टार लगा लीजिए, तो सभी लोग जवाब दीजिए, भारत की सिलिकॉन वैली है कौन सी, किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को, चेन्नई को, बेंगलुरु को, हैदराबाद को? तो भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बंगलुरु को। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में स्थित है और कर्नाटक की राजधानी भी बंगलुरु है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? सभी लोग जवाब दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली कंप्यूटर भाषा जो विकसित की गई थी वो थी फोरट्रॉन। कौन सी? फोरट्रॉन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक उपज देने वाली खाद्य फसल कौन सी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैं करवा दिया हूँ, तो वो फसल है चावल। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 13वां प्रश्न का जवाब सब लोग जो दीजिए, साधारण नमक क्या है? साधारण नमक है तो साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, इसमें जो प्रश्न हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से आप लोग पूरा टेस्ट को जरूर दीजिएगा, लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? लोहा, सिलिकॉन, कॉपर, सिरामिक? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक है आपका कॉपर। क्या है? कॉपर है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई? सभी लोग जवाब दीजिए, कब प्रारंभ हुई थी पूर्व की ईयर देखो? तो ये जो है प्रारंभ हुई थी 90 के दशक में। कब हुई थी? 90 के दशक में हुई थी। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसके पास? केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो केंद्र की जो है कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपीएससी बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगा करे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगातार आज जो है आपको क्वेश्चंस नोट करना है सारे के सारे क्वेश्चंस को। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया था? हिस्ट्री क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, और आज की प्रैक्टिस सेट में मेरी टॉपिक वाइज क्लास से जो है बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। अगर ध्यान से आप लोग याद किए होंगे, नोट्स बनाए होंगे, तभी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे।
क्यों वापस लिए थे असहयोग आंदोलन को? चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे वर्ष 1922 में महात्मा गांधी ने। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, ये चौरी चौरा कांड हुआ कब का था? 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रामबाण प्रश्न है आपके लिए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है पॉलिटी का। तो संवैधानिक, क्या संवैधानिक उपचार का अधिकार का सहारा लेकर अदालत में जा सकता है? ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है? तो ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है आपका परिवर्तनीय लागत आरक्षित निधि अनुपात, जो है आपका ऋण नियंत्रण का एक प्रकार नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म आर्थिक चर का एक उदाहरण है? तो उपभोक्ता संतुलन जो है आर्थिक चर का एक उदाहरण है। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? अभी जो है पॉलिटी की क्लास चल रही है, टॉपिक वाइज वाली क्लास में, और ये भाग वाले क्वेश्चंस मैं पढ़ा दिया हूँ। अगर आप लोग वो क्लासेस को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन किस भाग में है? तो इसका उल्लेख है भाग ये वाले में। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, 35 वर्ष राष्ट्रपति की भी होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होनी चाहिए, तो ये भी आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री की 25 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सिख गुरु हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी थे? तो गुरु हरिकृष्ण के उत्तराधिकारी कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस को, किसको? लॉर्ड कार्नवालिस को डॉट डॉट के लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इनको जाना जाता है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। 49वीं समानांतर रेखा किन देशों के मध्य की सीमा रेखा है? तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य की सीमा रेखा है। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है? तो इसका जो प्रभाव हो जाता है जल का तापमान कम कर देती है। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके सी टेट यूपी टेट एग्जाम में भी आएंगे। तो पौधे के किस भाग में दालचीनी प्राप्त की जाती है? तो ये प्राप्त की जाती है दालचीनी छाल से। किससे प्राप्त की जाती है? छाल से जाती है। ठीक है, ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? ये जो क्वेश्चंस हैं सी टेट इस बार यानी कि 2021 के एग्जाम में आया था क्वेश्चंस, जब मैं भी एग्जाम दिया था तो ये क्वेश्चंस पूछा गया था। इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो इंसुलिन देखिए एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंसुलिन वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव हृदय का अशुद्ध रक्त पहुँचाता है? कौन जो है मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुँचाता है? तो फेफड़े की धमनियां जो होती हैं वो मानव हृदय तक अशुद्ध रक्त पहुंचाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए।
सभी लोग जवाब दीजिए, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि अपवर्तन के कारण जो है ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला दिखाई देता है। क्या कारण है उसका? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। आज का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने में आपको भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस लगाए गए हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लगाए गए हैं। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? जिस तरह से इसमें क्वेश्चंस लगाए गए हैं सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न इसी तरह का होता है, ना इससे डिफिकल्ट होता है ना इससे ईजी होता है, सेम टू सेम ऐसे ही पैटर्न होता है। अगर आज 50 में से आप जो है 30 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। 35 प्लस 100% करके आएंगे आप लोग, क्योंकि जीके जीएस में फुल कोई नहीं कर सकता जल्दी। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होगा? तो इससे जो प्राप्त होगा रंग पीला, ठीक है। अगर हम लाल और हरे रंग को मिला देते हैं उससे जो रंग प्राप्त होगा वो पीला रंग प्राप्त होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है? JPEG का असंक्षिप्त रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है? कई बार आप लोग इसको यूज में किए होंगे फोटो वगैरह में। तो इसका जे का मतलब होता है ज्वाइंट एंड पी का मतलब होता है फोटोग्राफिक, ई का मतलब एक्सपर्ट्स, जी का मतलब ग्रुप होता है। तो ऑप्शन ए वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फुल फॉर्म से भी एक क्वेश्चन आया करता है, तो जितने जितने कॉमन आपके फुल फॉर्म हैं तो उनको याद कर लीजिएगा। जैसे ATM हो गया, ठीक है, SMS हो गया, इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको लिखवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का एस्क है? एल्युमिनियम का एस्क कौन सा है? तो एल्युमिनियम का जो एस्क है आपका क्रायोलाइट है। क्या है? क्रायोलाइट है एल्युमिनियम का एस्क। ऑप्शन जो आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, किस राज्य सरकार ने रायथूबंद योजना प्रारंभ की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, योजना से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है। तो रायथूबंद योजना प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा, किस राज्य के द्वारा? तेलंगाना राज्य के द्वारा की गई थी। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्पोर्ट के क्वेश्चंस मैं जल्द ही करवाने वाला हूँ, शब्द गैम्बिट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है गैम्बिट? तो इसका संबंध है शतरंज खेल से। ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुरी दीक्षित किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं? काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। जो माधुरी दीक्षित हैं ये किस भारतीय नृत्य कला से संबंधित हैं आपको बताना है। तो इनका संबंध है कथक से। किससे हैं? कथक से है। ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कथकली किस राज्य का नृत्य है, और कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम, तीनों को फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे तो आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा और आपका रिविज़न भी हो जाएगा। क्यों पूछ रहा हूँ? क्योंकि मैं इसको कई बार करवाया हूँ, ठीक है, प्रैक्टिस सेट की क्लास में भी करवाया हूँ एंड टॉपिक वाइज वाली क्लास में भी करवाया हूँ, ठीक है। सॉरी, टॉपिक वाइज की क्लास में अभी ये क्वेश्चंस नहीं हुआ, क्योंकि आर्ट और कल्चर अभी हम नहीं पढ़े हैं, बट ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ऑब्जेक्टिव वाली क्लास में यानी कि प्रैक्टिस सेट वाली क्लास में ये क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। तो फटाफट बता दीजिए, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली किस राज्य के लोक नृत्य हैं? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी की जीवनी है? माई स्टोरी किस प्रसिद्ध क्रिकेटर की खिलाड़ी की जीवनी है? तो ये है, किसकी है? माइकल क्लार्क की है। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मोहन जोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? ज़्यादातर प्रश्न मेरे टॉपिक वाइज वाली क्लास से ही मिल रहे हैं। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला, और मोहन जोदड़ो है कहाँ पे? पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। इसकी खोज किसने की थी? 1922 में जो है रखाल दास बनर्जी के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है। और यहाँ पे किसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो स्नानागार, वृहद स्नानागार यानी कि बाथरूम जो है पाया गया था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है, इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो फिरोज शाह तुगलक तो योगदान दिए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक भी दिए थे, अलाउद्दीन खिलजी नहीं दिए थे, इल्तुतमिश दिए थे। तो ऑप्शन जो है आपका सी वाला सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनमें से कौन लघु हिमालय क्या है? इनमें से कौन लघु हिमालय या हिमालय की महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? तो बाड़ासुर जो है इनमें से नहीं है। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो इसकी अधिकतम ताकत है 552। क्या है? 552 अधिकतम सीटें जो हो सकती हैं लोकसभा में, 552 हो सकती हैं, ठीक है। सही मिलान की पहचान करें, सभी लोग जवाब दीजिए, सही मिलान की पहचान करें आप लोग।
तो माइक्रोवेव ओवन यहाँ पे लिखा है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी पर्सी स्पेंसर के द्वारा। ऑप्शन जो है आपका ए ही करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बाकी के आपके सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? सभी लोग जवाब दीजिए, अभिज्ञान शकुंतलम किताब के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कालिदास। कौन है? कालिदास हैं। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में किसके नाम का संगम स्थान है? तो गंगा, यमुना, सरस्वती। ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? सभी लोग जवाब दीजिए, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? रासलीला तो है, रामलीला भी है, अहीर नृत्य भी है, गिद्धा नृत्य जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी यानी कि नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, मैं पूरा आज आप लोगों को कह रहा हूँ कि 50 के 50 क्वेश्चन आप लोग PDF से डाउनलोड कर लीजिएगा, नहीं तो वीडियोज में ही आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? जो उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये ज़्यादातर जो है बिहार का बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। किस भगवान की इसमें पूजा की जाती है? तो इसमें जो है रवि की पूजा की जाती है। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रयागराज में इनमें से कौन सा मेला नहीं लगाया जाता है? तो कुंभ मेला लगता है, माघ मेला भी लगता है, अर्धकुंभ मेला भी लगता है, वैशाख मेला नहीं लगता है आपका। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर देगा। और ये रही इसकी आंसर की, आप लोग जब PDF डाउनलोड करेंगे टेलीग्राम से तो आसानी होगी आपको। आंसर जैसे भूल जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के तो आप लोग देख सकते हैं, मेरी बात मानिए, तो आज 50 के 50 क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। जो बिल्कुल आपको याद हो तो उनको मत नोट करिएगा, ठीक है? जिन्हें आपको पता ना हो इसका आंसर क्या होगा तो उनको नोट जरूर कर लीजिएगा। और इसकी PDF कैसे प्राप्त करना है मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये एजुकेशन भी साहिल आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है, या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है डायरेक्ट टेलीग्राम पे पहुंच जाएंगे, ठीक है? वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपके मन में BEd से संबंधित कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, ठीक है? उसमें अगर आपका सही से डाउट क्लियर नहीं हो रहा था, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की यूजर ID है FTSahil, ठीक है? यहां पे देख सकते हैं, इसको आपको सर्च करना है। और इंस्टाग्राम की मैं लिंक दे दिया हूँ, जाके ज्वाइन कर हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी फॉलो कर सकते हैं मुझे। थैंक यू। ये क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और आपके स्कोर 50 में से कितने गए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ठीक है? अगर 50 में से 25 से नीचे जा रहा है तो आपको तैयारी करने की आवश्यकता है, क्रैश कोर्स को परचेज कर लीजिए आप लोग, ठीक है? बेहतरीन तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आपको भी फ्री सीट लेना है, पैसा बचाना है अपना। तो थैंक यू।